तो चलिए स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों आज की ये वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनों के लिए खुशखबरी वाली है, क्योंकि आप सभी को जिस पेमेंट का इंतज़ार था वो पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का जो पेमेंट 3 महीनों से होल्ड करके रखा गया था उस पेमेंट को आज और कल शाम को ही रिलीज़ कर दिया गया है। यानी कि सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कितने महीनों का जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, यूटीआर नंबर जनरेट हुआ है, कब तक आप लोग पैसा जो है निकासी कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को कल के ही वीडियो में बताया था कि जो आप लोगों का पेमेंट प्रोसेस कर दिया गया है वो पेमेंट बहुत जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। मैंने आपसे बोला था कि 3 से 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन का समय लगता है जो पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में जो समय लगता है उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो देखिए, मेरे वीडियो बनाने के जस्ट शाम को ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं बहनों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने लगा, यानी कि कल शाम को भी पैसा गया है और आज सुबह में भी जो है आंगनबाड़ी सेविका बहनों और सहायिका बहनों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया गया है। यानी कि 3 महीनों का जो पेमेंट है वो एक साथ क्रेडिट कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डिस्ट्रिक्ट और एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे मैंने स्टेटस निकाला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस किया गया था और कल शाम को ही पैसा रिलीज होने लगा है। यानी कि जो 2 पेमेंट है वो कल शाम को ही आ चुका है और 3रा पेमेंट जो है वो आज मॉर्निंग में आया हुआ है। चूंकि यहाँ पे जो है आप लोगों का यूटीआर नंबर अभी जनरेट नहीं किया गया है, मैं आप लोगों को चलिए यहाँ पे मैसेज भी दिखा देता हूँ, SMS भी दिखा देता हूँ जो बैंक के तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मई जून और जुलाई 3ों महीने का जो पेमेंट है वो आप लोगों को क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका मैसेज भी आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए जो बैंक के तरफ से पैसा क्रेडिट किया गया है वो कितने महीनों का किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे कि जो 1 महीने का पेमेंट है वो यहाँ पे कल शाम को ही क्रेडिट कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 7,000 रुपया, ठीक है। दूसरा पेमेंट जो आया हुआ है कल शाम को ही 6:51 पर दूसरा पेमेंट भी क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो 3रा पेमेंट है वो आज सुबह हमें यहाँ पर भेजा गया है 7:20 पर, देख सकते हैं 6,824 रुपया, यानी कि कुछ पैसा जो है यहाँ पर बीमा के रूप में काटा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो पैसा है वो 3 महीनों का आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहने सहायिका बहने कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो पैसा है वो क्रेडिट हुआ है या नहीं, आप लोग अपना स्टेटस भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो 1,000 रुपया क्रेडिट किया गया था कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 रुपया ये जो है पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करने के लिए भेजा गया था। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि 3 महीनों का जो पेमेंट है आप लोगों का काफ़ी दिनों से इसका इंतजार था वो पेमेंट अब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। हालाँकि 1 महीने का जो पेमेंट का UTR नंबर है वो जनरेट नहीं हुआ है। UTR नंबर जनरेट होने के बाद आप जाके बैंक से पैसा को निकासी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 महीनों का जो पेमेंट का UTR नंबर है उसको जनरेट कर दिया गया है, इसको भी बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप जाके जो पैसा है वो अपने बैंक से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।